देश के लोकप्रिय कथा व्यास और जाने माने संत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर राजस्थान में भड़काऊ भाषण दिए जाने के कथित आरोप पर हुई दो FIR के खिलाफ उदयपुर में हिंदू संगठनों का आक्रोश भड़क रहा है। राजस्थान के उदयपुर में 23 मार्च को एक धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस धर्म सभा में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए थे। इसी दौरान उन पर आरोप लगे कि उन्होंने यहां भड़काऊ भाषण दिया। उनके विरुद्ध राजस्थान सरकार के निर्देश पर दो अलग अलग थानों में भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे कायम कर लिए गए। मुकदमों की जानकारी लगने के बाद राजस्थान के उदयपुर में शनिवार को हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। सुबह से ही हजारों लोग सड़क पर उतर आए और कोर्ट परिसर में जाकर हनुमान चालीसा के साथ इस प्रदर्शन की शुरुआत की। हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां पर पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया और यहां पर पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सच बात बोलने पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध सरकार के इशारे पर गलत मुकदमा कायम किया गया है और इस मुकदमे को वापस लिया जाए। इस प्रदर्शन के दौरान तमाम हिंदू संगठनों के अलावा विभिन्न समाजों के लोग भी सड़क पर उतरे। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी विडंबना है कि हिंदुत्व के लिए बोलने के लिए जेल मिलती है। ये सरकारें तो आती रहती जाती रहती है। अभी जो पुलिस प्रशासन जो कार्य कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने 3 व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया रात को, उसकी राष्ट्रीय राजपूत कलनी सेना उसके लिए उनकी निंदनता करती है। और अगर ये लोग मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो कर्णी सेना बहुत बड़ा भव्य आंदोलन करेगी। और जो हरे झंडों को लेकर के जो मसला है कुंभलगढ़ का, तो ये तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। एक हिंदू राजा का एक हिंदू भारत में किला बना हुआ है, उसमें हरे झंडे लग रहे हैं, तो 100% सत्य है कि हिंदुत्व की आत्मा को आ तो हो ही रहा है। तो हरे झंडे इनको हटाने चाहिए। अभी तो 3 जने गए, 3 लाख की तादाद में जाएंगे, 3 करोड़ की तादाद में जाएंगे, वो हरे झंडे हटा के रहेंगे। जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या सरकार से भी मांग रहेगी और सरकार गलत क्या वही ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है आपकी तरफ से? क्या किस तरह के दोष? 100% दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं, हम कभी हिंदुस्तान के कानून की अवहेलना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, पर ये लोग जानबूझ करके एक टारगेट कर रहे हैं कि राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है क्या जहाँ हिंदुत्व की बात होती है और हमें कुचल दिया जाता है? इसी उदयपुर में कि हिंदू राजस्थान में रहना होगा या हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ऐसे शब्द ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें आत्माहत नहीं हुई और आज इनके आत्माहत हो रही है। ये इससे पहले जो आंदोलन किया था
उस जब यहाँ जुलूस निकला था आपके इसी केंद्र पे इसी जगह इतने जोर से नारे लगाए थे, उस समय हिंदुस्तान में राज मतलब आत्माहत नहीं हुई हिंदुओं की। इसलिए ये जो प्रदर्शना का कार्य कर रहे हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को, ये बिल्कुल दावे के साथ हम कह रहे हैं। और इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी हमारा एक आंदोलन है केसरिया महापंचायत 2 तारीख का, उसमें इस मुद्दे को बहुत जोर जोर से उठाया जाएगा। क्या आप मानते हैं ये राजनीतिक 100% राजनीति 1% कुछ भी प्रशासन को क्या लेना देना, ये हिंदू या मुसलमान उनके तो व्यवस्था बनाई रखनी है, नेसी नेसी कर दी दबाव बना करके रातों रात 3 बजे गिरफ्तार कर रहे हैं आदमी को, ये कौन सा तरीका है।